स्वागत है दोस्तों आपका एनके क्लासेस में। पिछले वीडियोस में हमने बेंडिंग स्ट्रेसेस देखा था, बेंडिंग इक्वेशन का डेरिवेशन देखा था और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। इस वीडियो में हम शियर स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे। जो शियर स्ट्रेसेस है बीम में वो हम किस तरीके से देते हैं, उसके बाद जो उसका वेरिएशन होता है अलग अलग सेक्शंस में, रेक्टेंगुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं शियर स्ट्रेसेस क्या होता है और उसका जो वेरिएशन है वो क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं शियर स्ट्रेसेस इन बीम। जो आपका शियर स्ट्रेस है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो क्या होता है, आपका जो शियर फोर्स होता है डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो शियर फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका क्या होता है, शियर स्ट्रेस होता है। अब जो बीम में किसी भी सेक्शन में हम कैसे निकाल सकते हैं, मान लीजिए ये हमारा एक सेक्शन है, उसमें ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है। अब उसमें हमको न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे हमको क्या निकालना है, शियर स्ट्रेस। तो वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल्स टू एफ ए वाई बार डिवाइडेड बाय आई बी। सो शियर स्ट्रेस एट ए डिस्टेंस वाई वन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस इज गिवन बाय टाउ इज इक्वल्स टू एफ ए वाई बार डिवाइडेड बाय आई बी। अब यहाँ पे हम एक एक टर्म समझ लेते हैं कि कौन सी टर्म क्या होती है। तो टाउ आपका क्या हो जाता है गाइस, शियर स्ट्रेस, और उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये जो एफ है ये आपका शियर फोर्स है सेक्शन पे, जो कि काय में होता है, न्यूटन में होता है। एरिया जो है एरिया ऑफ द बीम अबव वाई वन, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका शेडेड पोर्शन है इसका जो एरिया निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, जो कि कितना होता है आपका बी डी क्यूब बाय 12। बी जो यहाँ पे विड्थ ऑफ द सेक्शन, मींस ये जो विड्थ है सेक्शन की वो है। वाई बार क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द सीजी ऑफ द एरिया ए फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ पे आपको वाई बार देखना है, तो ये जो भी आपका शेडेड एरिया है इसका सीजी निकलेगा। अब इसका सीजी मान लो ये आपका कोई टर्म है, मान लो 50 है, तो 50 बाय 2 कितना हो जाएगा, ये 25। तो आपका सीजी कितना हो जाएगा, ये यहाँ से 25। और ये जो y1 आपको जैसे कुछ भी गिवन हो कि 30 mm पे आपको फाइंड करना है, तो 30 mm प्लस कितना हो जाएगा, ये 25। तो आंसर कितना जाएगा आपका, 55। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, वाई बार निकाल सकते हैं। वाई बार क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द सीजी ऑफ द एरिया फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। सो ये हमारा क्या हो गया, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया। किसी भी सेक्शन पे हम न्यूट्रल एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, शियर स्ट्रेस फाइंड कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला हमको याद रखना है, टाउ इज इक्वल्स टू एफ ए वाई बार डिवाइडेड बाय आई बी। इसमें हमारा जो एफ होता है वो शियर फोर्स होता है, ए जो होता है एरिया होता है अबाउ जो आपको डिस्टेंस निकालना है वहां से, तो टॉप फाइबर तक ये जो शेडेड एरिया है ये आपका ए हो जाता है। वाई बार आपका उस शेडेड एरिया के सीजी से न्यूट्रल एक्सिस तक की डिस्टेंस होती है वाई बार। आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो जो बी है वो आपकी क्या होती है, विड्थ ऑफ द सेक्शन। तो हम इजीली यहां से टाउ फाइंड कर सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि कैसे हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे शियर स्ट्रेस निकालने के लिए। हमारा क्वेश्चन है, ए बीम 100 mm वाइड एंड 150 mm डीप इज सिंपली सपोर्टेड ओवर ए स्पान ऑफ 4 meters। इफ शियर फोर्स एट ए सेक्शन ऑफ द बीम इज 4500 newton, फाइंड द शियर स्ट्रेस एट ए डिस्टेंस 25 mm अबव द न्यूट्रल एक्सिस। तो हमको इसमें जो डायमेंशन है बीम की वो दे रखी है 100 mm एंड 150 mm। शियर फोर्स हमको दे रखा है और हमको कितनी डिस्टेंस पे निकालना है, 25 mm अबव द न्यूट्रल एक्सिस। तो सबसे पहले तो गाइस इसका डायग्राम बनाएंगे हम। तो ये हमारा डायग्राम हो गया जिसमें आपकी बी कितनी हो गई 100 mm और डी कितना हो गया आपका 150 mm। उसके बाद न्यूट्रल एक्सिस आपकी सेंटर पे आएगी, तो 150 है तो ऊपर 75 हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, ये 75 mm। नाउ आपको कितने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आपका y1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 mm।
तो आपको कितने डिस्टेंस से फाइंड करना है यहाँ पे 25 mm से, तो ऊपर का जो भी एरिया हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा। तो हम इसको शेडेड कर लेंगे, तो आपका जो एरिया है वो कितना निकलेगा, फिर यहाँ पे हम ये वाली डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो टोटल आपकी कितनी है 75 है, और y1 कितना है आपका 25, तो ये आपका कितना निकलेगा 15 mm। तो सबसे पहले हमने इसकी डेप्थ निकाल ली कितनी है शेडेड एरिया की, तो वो हमारी कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। अब एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ये 50 इंटू जो विड्थ है वो कितनी होगी 100, तो 50 इंटू कितना हो जाएगा ये 100, तो ये आ जाएगा आपका 5000 mm स्क्वायर। आपका जो शियर फोर्स है एफ वो कितना है 4500 न्यूटन। अब आपको क्या निकालना है आई, तो आई क्या होता है बीडी क्यूब बाय 12। सो बी कितना है आपके पास 100, डी आपके पास कितना है 150 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। तो ये हम सोल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 281 mm4। सो ये आपके पास आ गया आई। y बार की वैल्यू निकालना है, तो y बार गाइस क्या होता है उस शेडेड एरिया के सीजी से न्यूट्रल एक्सिस तक की डिस्टेंस। तो जो शेडेड एरिया है वो कितने का है 50 mm डेप्थ है, तो उसको हाफ कर देंगे प्लस ये वाली डिस्टेंस कितनी है 25, तो ये कितना जाएगा 25, तो 25 प्लस 25 कितना आ गया ये 50 mm। तो y बार आपके पास कितना आ गया 50 mm। बी आपको कितना गिवन है 100 mm। सो हमने सारी वैल्यूज निकाल ली। अब हमारा जो शियर स्ट्रेस एट एनी सेक्शन इज गिवन एस, सो टाउ इज इक्वल्स टू कितना होता है गाइस एफ ए वाई बार डिवाइडेड बाय आई बी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, इसमें एफ है आपका 4500 इंटू एरिया आपका 5000, वाई बार आपका निकला इसमें 50 डिवाइडेड बाय आई है आपका इंटू बी की वैल्यू आपकी 100। तो सारी वैल्यूज हम प्लेस करके कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा आपके पास आंसर इसका 0.4 न्यूटन डिवाइड पर mm स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया गाइस आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम शियर स्ट्रेस किसी भी पॉइंट पे न्यूट्रल एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे वो पूछ रहा है तो वो हम निकाल सकते हैं। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है एफ इज इक्वल्स टू एफ ए वाई बार डिवाइडेड बाय आई बी, और उसमें ये ध्यान रखना है कि हम ए कैसे निकालते हैं, ए क्या होता है हमारा जो शेडेड एरिया है वो है, फिर y बार आपका क्या होता है cg से वहां तक की डिस्टेंस होती है, i जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, b जो है वो विड्थ है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि हम किस तरीके से एक एक वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, वो आप फाइंड करेंगे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपका टाउ आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इसका रेक्टेंगुलर में या दूसरे सेक्शन जो होते हैं सर्कुलर सेक्शन में किस तरीके से वेरिएशन होता है थ्रू आउट दी बीम। जैसे हमने उसका देखा था बेंडिंग स्ट्रेस का, तो उसका इस तरीके से कुछ वेरिएशन आ रहा था जिसमें जो न्यूट्रल एक्सिस थी वहां पे जो आपकी बेंडिंग स्ट्रेस वो कितनी थी 0 थी, और टॉप फाइबर्स पे आपकी जो बेंडिंग स्ट्रेस थी वो क्या थी मैक्सिमम थी। तो ये हमारा वेरिएशन था किस केस में बेंडिंग स्ट्रेस में, तो ये हमारा वेरिएशन बेंडिंग स्ट्रेस में था। अब हम वेरिएशन किस में देखेंगे शियर स्ट्रेस में देखेंगे। तो गाइज अब शियर स्ट्रेस में हम वेरिएशन देखते हैं कि किस तरीके से अलग अलग सेक्शन में शियर स्ट्रेस आपका वेरी करता है। सो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, तो हमारा फर्स्ट केस क्या ले रहे हैं हम रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए ले रहे हैं कि रेक्टेंगुलर सेक्शन में किस तरीके से वो थ्रू आउट द सेक्शन वेरी करेगा। तो हमने ये रेक्टेंगुलर सेक्शन कंसिडर करा, अब इसकी जो डेप्थ है वो डी है और इसकी जो विड्थ है वो बी है। अब हमारा मान लीजिए कि ये वाई डिस्टेंस पे हमको निकालना है शियर स्ट्रेस, तो यहां पे देखना कि ये जो टॉप फाइबर्स है यहां पे आपका शियर स्ट्रेस कितना रहता है 0, और न्यूट्रल एक्सिस पे आपका जो शियर स्ट्रेस वो कितना रहता है मैक्सिमम।
अभी हमको कैसे पता चलेगा, तो जो शियर स्ट्रेस है एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस इज गिवन एज, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा गाइस, ये आपको ध्यान में रखना है, tau इज इक्वल्स टू शियर फोर्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू आई इंटू डी स्क्योर बाय 4 माइनस वाई स्क्योर। यहाँ पे जो F है वो क्या है आपका शियर फोर्स है, I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, D जो है ये रेक्टेंगुलर की डेप्थ है, डी स्क्योर बाय 4 माइनस वाई जो है आपका वो न्यूट्रल एक्सिस से वहां तक की डिस्टेंस है। अब ये वाली जो शियर स्ट्रेस है ये मैक्सिमम कब हो सकती है, जब आपका वाई क्या हो जीरो, जब आपका वाई क्या हो जीरो, और वाई कब जीरो होगा जब वो कहां पे होगा न्यूट्रल एक्सिस पे। इसका ये मतलब कि जब वाई जीरो होगा तब आपको टाउ क्या मिलेगा, टाउ मैक्स मिलेगा, और टाउ मैक्स कहां पे आ जाएगा न्यूट्रल एक्सिस पे। तो उस तरीके से हम बना सकते हैं, और जब हम वाई को डी बाय टू रखेंगे क्योंकि ये डी बाय टू हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक डी बाय टू, तो जब हम इस इक्वेशन में डी बाय टू रखेंगे तो आपका टाउ कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका टॉप फाइबर पे वहां पर शियर स्ट्रेस कितना रहता है जीरो, और न्यूट्रल एक्सिस पे आपका टाउ कितना रहता है मैक्सिमम रहता है। नाउ एट न्यूट्रल एक्सिस वाई इक्वल्स टू कितना है जीरो है, तो टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका टाउ मैक्स हो जाएगा। जब हम इसमें वाई जीरो रखेंगे और आई की वैल्यू कितनी पुट करेंगे गाइस, बी डी क्यूब बाय 12, तो देखते हैं क्या एक्सप्रेशन निकल के आता है। सो टाउ क्या हो जाएगा आपका टाउ मैक्स, तो हम टाउ मैक्स लिख सकते हैं, एफ बाय 2 आई, आई की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं बी डी क्यूब बाय 12 इंटू डी स्क्योर बाय 4 माइनस 0, तो 0 हमने इग्नोर कर दिया तो ये आ गया डी स्क्योर बाय 4। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये डी 3 से डी स्क्योर कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ डी, 12 ऊपर चले जाएगा तो ये आ जाएगा 12 बाय 8 इंटू एफ बाय एफ डी, इसको और सोल्व करें तो ये बन जाएगा 3 बाय 2 इंटू एफ बाय बी डी। अब आपको शियर स्ट्रेस पता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, रेक्टेंगुलर का एरिया क्या है बी डी, तो हम इसको टाउ को क्या लिख सकते हैं टाउ एवरेज, तो ये हो गया हमारा टाउ एवरेज, तो टाउ एवरेज को क्या लिख सकते हैं एफ बाय बी डी। जब एफ बाय बी डी को हम टाउ एवरेज लिखेंगे तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू 3 बाय 2 इंटू टाउ एवरेज, जो कि आपको ध्यान में रखना है डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में ये एक्सप्रेशन यूज आएगा। तो टाउ मैक्स क्या होता है आपका 3 बाय 2 इंटू टाउ एवरेज, और किसी भी वाई डिस्टेंस पे हम कैसे निकाल सकते हैं शियर स्ट्रेस, टाउ इज इक्वल्स टू एफ बाय 2 आई इंटू डी स्क्योर बाय 4 माइनस वाई स्क्योर। तो ये आपका शियर स्ट्रेस होता है किसी भी डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से, जैसे यहां पे अगर आपको निकालना है तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और अगर आपको न्यूट्रल एक्सिस पे निकालना है तो डायरेक्ट आप टाउ मैक्स निकाल सकते हैं 3 बाय 2 इंटू टाउ एवरेज करके। सो ये दो फॉर्मूले हैं गाइस, ध्यान में रखना है, और टाउ एवरेज आपका कैसे निकलेगा एफ बाय बी डी से निकलेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद करना है, जो न्यूमेरिकल आता है वो इन तीन फॉर्मूले से आता है। तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जो आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है शियर स्ट्रेस में उसमें हमको न्यूमेरिकल देखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने एक न्यूमेरिकल लिया है, ए रेक्टेंगुलर बीम 100 mm वाइड एंड 250 mm डीप इज सब्जेक्टेड टू ए मैक्सिमम शियर फोर्स ऑफ 50 kN, डिटरमाइन एवरेज शियर स्ट्रेस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट ए डिस्टेंस 25 mm फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे गाइस, गिवन लिख लेंगे, सो गिवन हमारे पास बी है 100 mm, डी आपको गिवन है 250 mm, और जो आपका शियर फोर्स है वो गिवन है आपको 50 kN। तो हम शियर फोर्स को काय में लिखते हैं गाइस, न्यूटन में, तो ये आ जाएगा आपका 50 × 10³ न्यूटन या फिर 50,000 न्यूटन। नाउ सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है एवरेज शियर स्ट्रेस, तो एवरेज शियर स्ट्रेस आपका क्या होता है एफ बाय बी डी, सो फोर्स कितना है आपका 50,000, बी आपका 100 गिवन है और ये कितना गिवन है आपको 250, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। गाइस ये आ गया आपके पास 2 N/mm² ये हमारा क्या निकला एवरेज शियर स्ट्रेस।
अब हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो सेकेंड हमारे पास क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। सो हमको एक फॉर्मूला पता है, टाउ एवरेज और मैक्सिमम में क्या रिलेशन होता है, टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू टाउ एवरेज। तो जब हम टाउ एवरेज की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस तरीके से हम एवरेज और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाइंड कर सकते हैं। थर्ड हमको फाइंड करना है शियर स्ट्रेस एट ए डिस्टेंस 25 mm अबव न्यूट्रल एक्सिस। सो न्यूट्रल एक्सिस से तो वाई कितना हो गया आपका यहाँ पे 25 mm। तो आपका जो टाउ है वो क्या होता है, एफ बाई टू वाई इंटू डी स्क्योर बाय 4 माइनस वाई स्क्योर। यहाँ पे हम एफ की वैल्यू लग सकते हैं 50,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू आई क्या होता है बीडी क्यूब बाय 12। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी इंटू डी क्यूब 12 को ऊपर डी स्क्योर, डी कितना आपका 250, तो यह आ जाएगा 250 स्क्योर डिवाइडेड बाय 4 माइनस ये कितना जाएगा आपका y कितना आपका 25, तो वो कितना जाएगा 25 स्क्योर। तो ये हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं गाइस, 50,000 ये आपका कितना आ गया 2.88 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और ये आपका मैक्सिमम से कम आएगा क्योंकि मैक्सिमम जो है वो 3 है, तो टाउ कितना आ रहा है यहाँ पे 2.88। तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो आप टाउ निकालोगे किसी भी पॉइंट पे तो वो आपका मैक्सिमम से कम ही आना चाहिए। तो इस तरीके से हम जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसमें हम एवरेज मैक्सिमम और किसी भी डिस्टेंस फ्रॉम अबव न्यूट्रल एक्सिस पे हम शियर स्ट्रेस फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने देखा रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। हमारे पास सर्कुलर सेक्शन भी होता है, उसमें भी हम वेरिएशन देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके लिए वेरिएशन देख लेंगे। सो आपको अगर आज कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नाम से, तो आप वहां पर जाके जो इसके पिछले वीडियोज है वो आप देख सकते हैं। हमने बेसिक से चालू करा है पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेस स्ट्रेन सारी चीजें अच्छे से समझी है, तो आप वहां पे जाके देखना। और अगर आपको यूनिट कन्वर्जन में भी दिक्कत आए तो भी मैंने भी सब चीजें उसमें बताई है, तो आप पहले यूनिट कन्वर्जन सीख लेना ताकि आपको आगे वाले वीडियोज में कहीं पे भी दिक्कत ना हो। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल एनके क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।